अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं फिन स्क्वाड कंसल्टेंट्स, और आज हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का लेक्चर नंबर 12 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। जैसा कि आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर में हमने इंसर्ट के अंदर टेबल को डिस्कस किया था, तो आज हम करते हैं डिस्कशन हमारी होगी इलस्ट्रेशन के ऊपर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इलस्ट्रेशन में हमें डिफरेंट किस्म के फंक्शंस जो है एक्सेल शो कर रहा है, लाइक पिक्चर्स एंड शेप, स्मार्ट आर्ट एंड स्क्रीनशॉट्स वगैरह। तो स्टार्ट करते हैं पिक्चर से। जब अगर हम पिक्चर पे क्लिक करें तो वो हमारे पास दो ऑप्शंस देता है, दिस डिवाइस एंड ऑनलाइन पिक्चर्स। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दिस डिवाइस पे जाता हूँ और स्पाइडरमैन की यहाँ पे मेरे पास पिक्चर्स पड़ी हैं, मैंने सेव की हुई है, इसको मैं इंसर्ट करता हूँ तो वो मेरी ये पिक्चर यहाँ पर ले आएगा। अब यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन दे रहा है, मैं यहाँ से चाहूँ तो इसका साइज छोटा बड़ा अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ, यहाँ से मैं इसको चाहूँ तो रोटेट कर सकता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे वो डिफरेंट जो है इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह दे रहा है इसको, मतलब फॉर एग्जांपल मैं इस फॉर्मेट पे जाता हूँ तो इसको सर्कल कर देगा इस तरह से, इसको मैं जिस तरह मर्जी जाऊँ एडजस्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल हम इसको ये कर देते हैं फिलहाल। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन है पिक्चर बॉर्डर का, तो वो हमसे पूछ रहा है कि भाई बॉर्डर किस कलर का आपने पिक्चर का लगाना है। फॉर एग्जांपल मैं रेड करता हूँ, ये जरा प्रोमिनेंट है तो आपको इजीली नजर आ जाएगा, तो चलो इसको भी कर देता हूँ। उसके बाद पिक्चर्स के इफेक्ट्स आ रहे हैं, प्रीसेट्स में जो है उसने काफी सारे इफेक्ट्स दिए हुए हैं कि किस तरह का आपको चाहिए बगैर बॉर्डर में, जिस तरह आप देख सकते हैं कि इसने बॉर्डर खत्म कर दिया बेसिकली, और उसकी डिजाइनिंग जो है वो चेंज कर रहा है। तो मुझे यहाँ पे ये अच्छा लग रहा है तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद पिक्चर इफेक्ट्स में आता है, ये कर लिया हमने डिस्कस हो गया। पिक्चर लेआउट में जाते हैं, पिक्चर लेआउट में हमसे फॉर एग्जांपल मैं इधर जाता हूँ तो वो जैसे मुझे इसने बॉक्स बना दिया, इस पर जाता हूँ ये बेसिकली डाटा वगैरह जो है लिंक करने के लिए पिक्चर के साथ ये यूज होते हैं। तो उसके बाद आ जाता है सिलेक्शन पेन। इसके अंदर अगर हमारे पास तीन चार पिक्चर है तो हमने जो भी कोई पिक्चर है वो उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये रोटेट है या अलाइनमेंट है, इसको क्रॉप से आप इसको जो है साइड साइज एडजस्ट कर सकते हैं, हाइट एंड विड्थ वगैरह इसकी यहाँ से की जा सकती है। उसके बाद रिमूव बैकग्राउंड है, अगर मैं इस पिक्चर का मार्क उसके ऊपर क्लिक किया तो उसने बैकग्राउंड बेसिकली रिमूव कर दिया। अब जो है अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है मार्क एरियाज टू कीप, अगर हम इस पे सिलेक्ट करके यहाँ पे कोई एरिया मार्क करते हैं तो उतना एरिया जो है एरिया रख लेगा, बाकी वो सारा उसको कर देगा, बैकग्राउंड को रिमूव कर देगा। इसी तरह से मार्क एरियाज टू रिमूव है और डिलीट मार्क्स वगैरह, ये सारे ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं। फिलहाल हम डिस्कार्ड चेंजेस कर देते हैं। उसके बाद है करेक्शंस। करेक्शंस के अंदर आता है कि आपने इसके कोई ब्राइटनेस वगैरह जैसे कि यहाँ पे नजर आ रहा है, और शार्पनेस वगैरह आपने इसकी चेंज करनी है इमेज की तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद कलर्स हैं, हम डिफरेंट कलर्स जो है इस पर अप्लाई कर सकते हैं, जैसे इसको हम ब्लैक एंड व्हाइट पर कन्वर्ट कर देते हैं यहाँ से। आर्टिस्टिक इफेक्ट्स हैं कुछ यहाँ पे जो है वो आप अपनी मर्जी का चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं, जैसे ये लाइक एक्सरे कह सकते हैं इस तरह से शो कर रहा है। इसमें उसने बॉक्सेस वगैरह डाल दिए बेसिकली, और बेसिकली इफेक्ट है टेक्सचराइजर का। उसके बाद जो है कॉम्प्रेक्स पिक्चर है, अगर आपने कंप्रेस करनी है फॉर एग्जांपल ईमेल करने के लिए, और डिफॉल्ट रेजोल्यूशन है ये, तो इन सब चीज़ों के लिए ये है यूज होता है। उसके बाद चेंज पिक्चर है, आप यहाँ से एक उसी तरह से जाके अपने सिस्टम से नई पिक्चर ले सकते हैं, और ये ऑनलाइन सोर्स से जो है ऑनलाइन भी आप जाके कोई भी पिक्चर ले सकते हैं। रीसेट पिक्चर पर क्लिक करेंगे तो वो पिक्चर को ओरिजिनल फॉर्म में वापस ले आएगा। ये हमारा हो गया बेसिकली पिक्चर्स के ऊपर। उसके बाद बारी आती है
शेप्स की। शेप्स के अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है उसने डिफरेंट किस्म की शेप्स शो की हुई है। आप अपनी मर्जी की जो है वो शेप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये की, उसके बाद मुझे ऑप्शन दे रहा है कलर चेंज करने के लिए, और यहाँ पे मैं किस कलर करना चाह रहा हूँ यहाँ से भी चूज कर सकता हूँ। शेप आउटलाइन, इसका बॉर्डर वगैरह अगर आपने लगाना है, शेप इफेक्ट्स, फॉर एग्जाम्पल शेडो इफेक्ट्स में इसमें एंटर करता हूँ इस पे, तो उसने हल्का सा इसका शेडो बना दिया आपको इसके टॉप बॉर्डर के ऊपर, वो नजर आ रहा होगा। अच्छा, उसके बाद जो है इसके फॉर्मेट में अगर आप जाएं तो डिफरेंट आपके पास उसी तरह से पिक्चर्स में जिस तरह के फंक्शंस थे इसकी अलाइनमेंट और एडजस्टमेंट करने के लिए, इसी तरह से शेप्स के अंदर भी वही फंक्शंस अवेलेबल हैं। उसके बाद आते हैं स्मार्ट आर्ट में। स्मार्ट आर्ट के अंदर वो हमें बेसिकली डिफरेंट जो है डिजाइनिंग शो करता है, जो कि किसी कॉलेज स्कूल के असाइनमेंट्स वगैरह या ऑफिस वगैरह में यूज की जा सकती है। फॉर एग्जांपल इसमें से कोई कोई शेप यूज करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, फॉर एग्जांपल ये वाली कर लेते हैं, इसको ओके किया मैंने। उसके बाद जो है मुझे यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन देने लग गया कि आपको किस शेप में चाहिए। डिफरेंट शेप्स हैं बेसिकली लेआउट है इमेजेस के, आप उसको चाहे तो चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे आप क्लिक करके एक्सपेंड भी कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको फिलहाल ये कर देता हूँ। उसके बाद जो है यहाँ पे आप डिफरेंट किस्म का अपनी मर्जी का टेक्स्ट लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई नाम हो गया, और जिस तरह भी चाहे, अगर टेक्स्ट जिस तरह ज़्यादा होता जाएगा ये अपने आप को वैसे वैसे एडजस्ट, फॉन्ट साइज जो है अपने आप को एडजस्ट करता रहेगा। उसके बाद बारी आती है बेसिकली स्क्रीनशॉट की। स्क्रीन क्लिपिंग में ये है कि आप जो है अगर आपने किसी भी एरिया के स्क्रीन क्लिप करनी है, फॉर एग्जांपल आपके पास जितने भी ओपन विंडोज होंगे वो आपको जो है, मेरे पास कोई ओपन विंडो नहीं है इसलिए मुझे डेस्कटॉप पर ले आया। अगर आपके पास ओपन विंडोज होंगे तो आपको डिफरेंट वो विंडोज बता देगा कि आपने कौन सी विंडोज सेलेक्ट करनी है, सिलेक्शन ऑप्शन आपको दे देगा। फॉर एग्जांपल मैं इसमें से इतना एरिया सेलेक्ट करता हूँ, तो उसने जो है वो इमेज को उसका साइज थोड़ा छोटा करता हूँ। अच्छा, उसने वो इमेज जो है यहाँ पे आके हमारे पास फाइल के ऊपर, एक्सेल फाइल के ऊपर पेस्ट कर दी। तो ये आज का हमारा छोटा सा लेक्चर था इलस्ट्रेशन के ऊपर। इसके अंदर एक और चीज होती है 3D effects। तो 3D effects नहीं, वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो उसको हम बाद में देख लेंगे। खैर, आज का हमारा लेक्चर इतना ही। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अगर तो आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो कैंडी इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि जैसे ही हम कोई नई वीडियो अपलोड करें वो आप तक फौरी तौर पर पहुंच सके। हमारा आज की हमारी आज की वीडियो देखने का शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।